हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस साइड सिमरन अरोड़ा वर्ल्ड. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेकअप ट्यूटोरियल. जैसे कि आप लोग को थंबनेल में देख के तो पता चल गया होगा, हम बहुत स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं क्योंकि जन्माष्टमी आ गई है एंड मैंने राधा रानी जी का मेकअप ट्यूटोरियल इस वीडियो में करा है. बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में जो प्रोडक्ट आप लोग बाय कर सकते हैं, एंड कुछ लोगों के पास होंगे भी, ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी नहीं है, या आप ऑनलाइन भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं एंड ऑफलाइन स्टोर पे भी कर सकते हैं आराम से. जब मैं करूँगी तो मैं आपको मेकअप बताऊँगी. एंड यहाँ पर मैंने अपना हेयर स्टाइल बना लिया था प्रॉपर अच्छे से, एंड यहाँ मैंने पोनीटेल बनाई है, फ्लावर वगैरह डेकोरेट किए, एंड मांग टिक्का मैंने अपना ये सेट कर लिया. एंड ये जो है ये फ्लिक्स है, इसको मैंने पीछे सेट करा हुआ है क्योंकि फ़ैन चलता तो आवाज़ भी आती एंड वो ज़्यादा उड़ रहे थे तो वो हमारे फेस पे आते, तो मैं मेकअप भी नहीं कर पाती. जब मेरा पूरा लुक हो जाएगा तब मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी. सो ज्वेलरी वगैरह भी अभी मैंने नहीं पहनी थी, जो वो मेकअप करने के बाद ही पहनूंगी. एंड येस गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड. बट एक और बात, मैंने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया है. स्किन टोनर मतलब कि फेस वॉश, क्लींजिंग, CTM जो भी बोलते हैं, फेस वॉश, टोनर, अपने मॉइस्चराइज फेस को अच्छे से कर लिया है. एंड अब प्राइमर लगाना रहता है. जब मैं मेकअप करती हूँ तो मैं मेकअप बॉक्स में ही अपना रखती हूँ सारा प्राइमर वगैरह, तो अब मैं स्टार्ट करूँ तो प्राइमर अब लगाऊंगी. बट इससे पहले मैंने अपने फेस को पूरे अच्छे से प्रेप कर लिया. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड. यहाँ पर मैं अपनी आईज़ में थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी क्योंकि मुझे अपना हैवी बेस चाहिए. तो यहाँ पर मेरे पास कंसीलर स्टिक थी तो मैंने यहाँ अपना कंसीलर अप्लाई कर लिया एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से. ब्रश की हेल्प से मतलब ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर से फिट मी के उससे सेट करूँगी. एंड ये स्विस ब्यूटी की आईब्रो पैलेट थी एंड इसके अंदर 4 शेड होते हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. तो मैं यहाँ इसमें से तो ब्राउनी शेड लगाती हूँ कि ब्राउनी अच्छा रहता है. आप हमेशा आईब्रो जब बनाओ तो पीछे से ही बनाना क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर लगती है अगर आप डायरेक्ट आगे से अप्लाई करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. एंड इसके बाद आप लोगों को आई शेडो पैलेट ले लेनी है, जो सी भी आपके पास हो, बट आप ध्यान रखना कि उसमें सबसे ज़्यादा लाइट शेड हो. तो मैंने इसमें ये सबसे ज़्यादा लाइट शेड लिया है. एंड डायरेक्ट अप्लाई मत करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डस्ट ऑफ कर दीजिए करिए, क्योंकि जो भी आपका जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो निकल जाए एंड जो लगना चाहिए वो ही हमारी आइस पे लगे. एंड यहाँ मैं बहुत ही हल्के हाथों से अपनी आइस पे ब्लेंड कर रही हूँ. बहुत ही ज़्यादा मैंने लाइट कलर उठाया एंड इसके बाद मैंने ब्राउन एंड रेड कलर को मिक्स करके अप्लाई किया है, 2 शेड को मिक्स करके. सेम आई शेडो मैं अपनी दूसरी आईज पे अप्लाई करूँगी क्योंकि जब मेरे को हैवी बेस चाहिए होता तो लाइट, देन उसके बाद थोड़ा सा डार्क क्योंकि मुझे ग्लिटरी आईज करनी थी. एंड इसके बाद जिससे मैंने अपनी आईज पे कंसील किया था उसी की हेल्प से मेरे को मैक की, जो मेरे पास एक स्टिक है इसी की हेल्प से मैं अपनी आई पे लगाऊंगी इसी को, क्योंकि मैंने अच्छा बेस बनाना है. अगर आपके पास भी कोई फाउंडेशन है या ऐसी कोई स्टिक है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए भी आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेके आओ. फिर इस आई शेडो पैलेट में से मैं गोल्डन, एकदम प्योर गोल्डन होता है, वो मैंने अप्लाई करा है अपनी आईज पे एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी गोल्डन था, आप लोग देख सकते हैं. एंड इसके बाद ये मेरे पास हुडा ब्यूटी की ग्लिटर पैलेट है. बहुत सारी पैलेट्स आती है तो आप वो लोग यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें ये ग्लिटर ही है तो इसलिए मैंने इसमें से ऑरेंज ग्लिटर पिक किया क्योंकि मेरा जो लहंगा आउटफिट है वो मेरा ऑरेंज कलर का ही है. एंड इसमें ग्लू वगैरह लगाने की मुझे नीड नहीं पड़ती क्योंकि वो डायरेक्ट एकदम लग जाता है एंड आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से लगा है एंड बहुत ज़्यादा इजी है. मैंने सिर्फ 3 स्टेप किए हैं, लाइट एंड डार्क एंड गोल्डन एंड देन ग्लिटर. एंड इसके बाद मैंने ये मीशो से ऑर्डर किया था आईलाइनर एंड यहाँ मैंने सोचा ब्लैक तो बहुत ज़्यादा मतलब लगाते हैं बट ठीक है, बट मैंने ग्रीन लगाया थोड़ा सा यूनिक करने के लिए अपनी आईज़ पे.
एंड इस पे मैंने विंग आईलाइनर लगाया है। यहाँ पर फिर हम काजल अप्लाई करेंगे। एंड ये जो मैंने ग्लिटर लगाया था वही फिंगर मेरे मुंह पे लगी, तो आप लोग ध्यान रखना कि जब भी आप ग्लिटर वगैरह अप्लाई करो तो अपने हैंड को अच्छे से क्लीन कर ले। फिर मैंने वेट वाइप्स को लेके अपने फेस पे अच्छे से क्लीन कर लिया था। एंड यहाँ पे मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद हम अपना बेस रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने फिटमे का फाउंडेशन लिया है एंड ये बहुत ही अच्छा जाता है मेरे फेस पे। एंड इसके बाद मैं अच्छे से इसको अपने फेस पे फिंगर वाइज अप्लाई करूँगी जिससे कि मेरा फेस पे पूरा कवरेज रहे। एंड मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड इसके बाद मैं सीधा कॉम्पैक्ट से अपना फेस को पूरा वो कर दूँगी लॉक्ड, क्योंकि मेरे फेस पे कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती ना मेरे को कंसीलर की। जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट वगैरह होते हैं तो वो ही अप्लाई करते हैं। एंड मेरे और जिनका जो ज़्यादा फेस मोटा होता है या मीडियम होता है, ठीक है, उनके फेस पे कंटूरिंग जाती है, बट मैं फिर भी करूँगी। एंड यहाँ मैंने अपने फेस को अच्छे से लॉक कर दिए फिटमी के कॉम्पैक्ट पाउडर से। एंड मैं अपने चिक्स को थोड़ा हैवी करने के लिए यू बनाऊंगी, क्योंकि मेरे फेस को आपको देख के पता लगे होगा एकदम पतला है, अगर मैं और शार्प करूँगी तो दिखेगा ही नहीं। तो मैंने यहाँ यू बनाया जैसे कि मेरा फेस थोड़ा सा हैवी एंड गोलू सा मोलू दिखे। एंड यहाँ मैं ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। मैं हमेशा अपनी फिंगर की हेल्प से पहले प्रोडक्ट लगा लेती हूँ अपने चिक्स वगैरह पे, क्योंकि ब्रश से बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर मैं अपने ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इससे ना ज़्यादा है ना कम है, ऐसा मुझे लगता है। एंड ऐसा ही मैं करती हूँ हमेशा से फिंगर की हेल्प से, देन मैं फिर उसको अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको सेटिंग स्प्रे लेना है एंड ब्रश पे थोड़ा सा आपको सेटिंग स्प्रे मारना है। एंड ये नहीं कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो, थोड़ा सा होल्ड करो उसको, अच्छे से थोड़ा ड्राई करो। एंड देन फिर आप हाइलाइटर की पैलेट पे आओ एंड आप इसके बाद लगाइए। आपको देखेंगे कि इतना ज़्यादा ग्लो आ रहा है। एंड मैंने थोड़ा सा अपने नेक पे भी लगा लिया था। एंड इसके बाद मैं अपना पूरे फेस को लॉक कर दूँगा, क्योंकि मेरे फेस का मेकअप हो गया था। सेटिंग स्प्रे लगा दिया मैंने अपने फेस पे। एंड इसके बाद हमारा होता है मेन राधा रानी का लुक। सो इससे हमारा लुक कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे मैंने एक बिंदी लगा ली है एंड यहाँ मैंने डॉट डॉट लगाया है ब्रश की हेल्प से कि मुझे थोड़ा सा गोल गोल फिनिशिंग मिल जाए। एंड जब ये मैं कर रही थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वाओ कितनी मतलब एक क्रिएटिविटी होती है। एंड ये मैंने वैसे फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में अप्लाई किया। मैंने वीडियोस में तो देखा था कि कैसे करना है, बट सब ने अलग अलग किया था, तो मैंने ला कि मैं थोड़ा सा अलग करती हूँ एंड थोड़ा सा ईजी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था। एंड फिर ये मैंने बॉबी पिन की हेल्प से अपना ये पूरा अप्लाई करना शुरू किया है डॉट डॉट। एंड इसके बाद हम लिपस्टिक लगाएंगे। पहले मैंने लाइट कलर ही लगाया कि ठीक है लाइट, क्योंकि मेरा डार्क फिर वो अच्छी नहीं लगी तो मैंने थोड़ा सा डार्क लिपस्टिक रख ली। एंड यस गाइस मेरा लुक रेडी है एंड बस अब अपनी ज्वेलरी वेयर करके मैं आती हूँ।
आप लोग मेरा राधा रानी का लुक देख सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था अपनी लाइफ में एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। एंड अगर आप लोग को भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड गाइस ये मुझे तो इतना प्यारा लग रहा है, आप लोग मेरा देख सकते हैं। ये मैंने ज्वेलरी ये वेयर करी है एंड मैंने फ्लिक्स नहीं निकाली थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना अच्छी नहीं लग रही थी। एंड ये बैंगल्स वेयर किए थे एंड ये आप लोग देख सकते हैं। और ना मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेकअप तो बताओगे आप अच्छा किया है, बट आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। बाकी सबको हैप्पी जन्माष्टमी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।